हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब तो घूमता राम का राम राम तो वेलकम बैक माथेरान सीरीज में आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 2। ये एपिसोड में हम आपको टॉप होटल्स ऑफ माथेरान में दिखाएंगे, यहाँ की फैसिलिटी दिखाएंगे, यहाँ के रूम्स दिखाएंगे। माथेरान में बहुत ही ज्यादा कैटेगरी के होटल्स है, जैसे कि प्रीमियम होटल है, बजट होटल है और मीडियम क्लास होटल है। तो ये जो टॉप कैटेगरी के होटल्स है आज हम ये एपिसोड में दिखाएंगे, जिसमें हम दिखाएंगे 3 होटल्स। ऐसे तो और भी होटल्स है जो अच्छी है, बट आज के हम ये एपिसोड में सिर्फ आपको 3 होटल दिखाएंगे। जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम आपको बताएंगे बजटेड होटल्स इन माथेरान। तो चलो शुरुआत करते हैं रीगल होटल माथेरान से। यह है प्योर वेजिटेरियन रिजॉर्ट माथेरान में, काफ़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है। किड्स प्ले एरिया है, बैडमिंटन ओपन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, किड्स पूल है और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी। तो हम आ गए हैं रीगल होटल और ये है प्रीमियम रूम, प्रीमियम सूट, जिसका व्यू देख पाएंगे बालकनी से, स्विमिंग पूल और वैली व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। एक डबल बेड और एक बड़ा सा सोफा कम बेड। और ये है गार्डन सूट रीगल होटल, तो चलो चेक करते हैं। यहां भी एक बड़ा सा डबल बेड और एक सोफा कम बेड। वैसे तो रीगल होटल में और भी बहुत कैटेगरी के रूम्स है, बट ये गार्डन सूट और प्रीमियम सूट बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसका व्यू भी अच्छा है, रूम्स भी बड़े हैं और बाथरूम भी फर्स्ट क्लास। और ये है ओपन बैडमिंटन कोर्ट, ये है गार्डन, काफी बड़ा शानदार गार्डन है और द स्विमिंग पूल जो आपने देखा। जैसे कि आपने देख लिया रीगल होटल्स के दोनों ही रूम काफी लाजवाब थे, वीकडेज में करीबन 5,000 से 7,000 रुपए इनके चार्जेस है। वगैरह तो अगर आपको बुक करना है रीगल माथेरान तो उनका वेबसाइट है regalmatheran.com, आप यहां से भी बुक कर सकते हैं, गोआईबीबो मेक माय ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। और ये है रीगल माथेरान का रेस्टोरेंट और ये है उनकी थाली। जो ये रीगल होटल हमने देखा ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग है माथेरान मार्केट से, और उषा एस्कॉर्ट जो होटल है वो है करीबन 5 मिनट वॉकिंग माथेरान से, और बाइक है वो करीबन 7 से 8 मिनट वॉकिंग। तो लो जी, लो हम आ गए हैं उषा एस्कॉर्ट होटल माथेरान, जो कि टॉप होटल्स ऑफ माथेरान में माना जाता है। तो चलो दिखाते हैं उषा एस्कॉर्ट होटल की रूम्स और आपको दिखाते हैं यहाँ की फैसिलिटी। काफी सुंदर व्यू है ये पॉइंट से उषा एस्कॉर्ट का, आप देख सकते हैं बड़ा सा स्विमिंग पूल और नीचे लेफ्ट में ओपन बैडमिंटन कोर्ट और काफी शांति। उषा एस्कॉर्ट माथेरान भी प्योर वेजिटेरियन है, करीबन 3,900 से लेके 6,000 की रेंज में है इनके रूम्स एंड प्लान्स। www.ushaescort.com। तो चलो देखते हैं उषा एस्कॉर्ट का बार।
ये जो सब लाइन में है ये सब लग्जरी विला है ग्राउंड प्लस वन के। चलो देखते हैं उषा एस्कॉर्ट का लग्जरी विला और आपको भी बताते हैं। काफी सुंदर और काफी लाजवाब, काफी स्पेशियस भी है। दो कपल है, दो फैमिली या फिर 2+2 का एक फैमिली है तो काफी परफेक्ट है। फर्स्ट फ्लोर पे एक डबल बेड है और ग्राउंड फ्लोर पे एक डबल बेड है और दोनों ही फ्लोर पे बाथरूम और ये बड़ा सा स्विमिंग पूल विथ बेबी पूल। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इतना बड़ा, यहाँ बॉक्स क्रिकेट या फिर और भी कोई गेम खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। अगर आप बड़े ग्रुप में आते हैं और आपको कुछ ग्रुप एक्टिविटी करना है तो उसके लिए परफेक्ट सूटेबल है ये। तो चलो देखते हैं उषा एस्कॉर्ट का एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम। दो डबल बेड किंग साइज बेड है और ये है सोफा कम बेड जिसमें दो बच्चे आराम से सो सकते हैं और ये है बालकनी काफी सुंदर। तो काफी जबरदस्त व्यू है एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम का भी। रूम थोड़ा छोटा है प्रीमियम से बट उतना ही क्लीन और उतना ही मजेदार रूम। ये उषा एस्कॉर्ट में तो मंकियों की भरमार है। जितना मंकी पॉइंट में मंकी नहीं है उतना इतने रिजॉर्ट में ये बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के मंकी है, छोटे बड़े काले मुंह वाले। तो ये है एस्कॉर्ट सूट जो कि फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम के अंदर दो सिंगल बेड है, यहाँ दो बच्चे आ सकते हैं, सोफा कम बेड भी है और यहाँ है बालकनी। ये बालकनी से स्विमिंग पूल व्यू है और ये लिविंग रूम में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टॉयलेट भी अटैच है और टेलीविजन भी है और अंदर है एक बेडरूम। हाँ जी, तो ये है बेडरूम, पेरेंट्स का बेडरूम पकड़ लो या फिर समझो चार या पांच जन का बड़ा ग्रुप आता है तो दो तीन जन बाहर सो जाते, दो तीन जन अंदर सो जाते। यहाँ भी एक सोफा कम बेड है और यहाँ है बाथरूम। तो उषा एस्कॉर्ट के बाद चलो चलते हैं हम बाइक हेरिटेज प्रॉपर्टी में। और ये है माथेरन का मैप और ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं रेड कलर का, ये है बाइक होटल जो कि उषा एस्कॉर्ट से ज़्यादा लंबा नहीं है, बाजू बाजू में ही है। और ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सनराइज पॉइंट जो कि पैनोरमा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे जो देख रहे हैं वो है चौक पॉइंट और बाइक है सेंटर में। और ये बाइक के लाइन में जो ये वाला जो आप पट्टा देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन और मार्केट का पट्टा है, खंडाला पॉइंट, माधवजी पॉइंट और ये सामने की तरफ है इको पॉइंट का पट्टा। देख रहे हैं बाइक का ओडीसी कॉटेज, तो चलो दिखाते हैं आपको भी बाइक का ओडीसी कॉटेज।
और ये भी ग्राउंड प्लस वन का है, जैसे हमने उषा एस्कॉर्ट में देखा था। ग्राउंड फ्लोर पे भी एक बेडरूम है, बाथरूम है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी एक बेडरूम बाथरूम है। और ये है बाइक हेरिटेज का रेस्टोरेंट एरिया। ये जो आप देख रहे हैं ये है बेबी पूल और स्लाइड्स। तो चलिए देखते हैं लग्जरी डिलक्स रूम बाइक हेरिटेज होटल। काफी बड़ा बाथरूम है, शॉवर एरिया है, तो चलो देखते हैं एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम। तो ये है एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम बाइक हेरिटेज। Very clean and spacious bathroom. ये है सोफा कम बेड, ये है डबल बेड। और ये है रूम, बट इसमें बाथरूम नहीं है, बट अगर आपके पास वन कपल प्लस टू किड्स है तो ये दो किड्स यहाँ आ सकते हैं। तो चलो अब आपको ऐसा एक बंगलो दिखाते हैं जो कि बना है 1854 बाय द ब्रिटिशर्स, जिन्होंने माथेरान की खोज की थी मिस्टर ह्यूज मॉलेट। तो ये बंगलो है बाइक हेरिटेज प्रॉपर्टी में। तो चलिए, ओहो अभी तक ये बंगलो पूरा बड़ा है, इतना बड़ा बंगलो। ये देखो यहां से जो शुरुआत होती है बंगले की और ये यहां तक। तो चलो देखते हैं बाइक हेरिटेज बंगलो इन माथेरान। कॉमन सिटिंग एरिया है, लाइब्रेरी भी है। अच्छा, तो ये जब इन्होंने बनाया था सर ने, मॉलेट सर ने, तब ये क्या था? ये पूरा मतलब बैंक्वेट हॉल ही था। अच्छा, तो इनका मीटिंग वगैरह होता था यहाँ। जी सर। तो ये अभी आप रेंट पे देते हैं कि सिर्फ देखने रेंट के लिए? पे देते हैं सर। अच्छा, मोस्टली गेस्ट कोई लाइक करता है। अच्छा अच्छा, तब हम लोग दे देते हैं। ओहो ओहो, काफी ह्यूज है, बहुत बड़ा है, इनके नाम की तरह ही। हाँ, ह्यूज ह्यूज मॉलॉट। तो ये एक ही पार्टी को देते हैं कि इसमें अलग अलग रूम से? नहीं, इसमें चार रूम से डिवाइड किए हुए। अच्छा, दो लग्जरियस कैटेगरी में और दो डिलक्स कैटेगरी में। तो ये अभी कौन सा देख रहे हैं हम? ये लग्जरियस में है सर। ओके, लग्जरी डिलक्स कैटेगरी में आता है। ये है ह्यूज मॉलेट, जी ने जो बंगलो बनाया था उसमें से एक रूम है, करीबन 400 से 500 स्क्वायर फीट का रूम। आप देख सकते हैं मेरा आवाज़ भी यहाँ इको हो रहा है, इतना बड़ा रूम है। और ये देखो बाथरूम, यहाँ तो आप बॉक्स क्रिकेट खेल सकते हैं। करीबन 100 स्क्वायर फीट से भी ऊपर का बाथरूम, जबरदस्त। ये पूरा हेरिटेज प्रॉपर्टी है, अगर आपको आप हेरिटेज लवर है या हिस्ट्री लवर है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मिस्टर मैलेट जब आए थे बाइक में, मतलब माथेरान में। अच्छा, तो वो जिस घोड़े पे आए थे, एक्चुअली घोड़ी थी वो, उसका नाम बाइक था। तो ये 1854 में जो घोड़ी थे उसका नाम बाइक था, इसके लिए ये प्लेस का नाम बाइक पड़ा है। ओ, ये तो किसी को नहीं मालूम रहेगा, एकदम जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी आपने बाइक हेरिटेज के बारे में। सबसे बड़ी और सबसे खास बात मेरे को बाइक हेरिटेज में लगी कि ये पूरी की पूरी 7 एकड़ की प्रॉपर्टी है, ये है व्हीलचेयर फ्रेंडली। तो अगर आप व्हीलचेयर से कोई सीनियर को या किसी हैंडीकैप को लेके आना चाहते हैं तो डेफिनेटली लेके आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टेप्स है वहाँ वहाँ इन्होंने स्लोप प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। और बाइक है प्योर वेज रिजॉर्ट, और बुकिंग के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं द बाइक हॉस्पिटैलिटी। ये भी एक जबरदस्त होटल है, अडोमो विलेज, ये गोवा में भी है इनका ब्रांच।
होप आप सब लोगों को ये तीनों होटल रीगल, उषा एस्कॉर्ट और बाइक हेरिटेज पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पता ना तो बता दो, इस चैनल के द्वारा मैं नई नई घूमने की जगह एक्सप्लोर करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे बेस्ट बजटेड होटल इन माथेरान। तब तक के लिए बाय बाय।